नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा गांव, वो कार्यक्रम जो न्यूज वर्ल्ड इंडिया का वो एजेंडा जो गांव गांव तक पहुंच रहा है। गांव की समस्याएं, गांव का विकास, गांव के मुद्दे और गांव की तस्वीर। हम तमाम विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और इन्हीं विधानसभाओं का हमने हाल भी जाना। खास तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए हम गांव के जनप्रतिनिधियों को इसका हिस्सा बनाते हैं, गांव के लोगों की आवाज सुनते हैं, गांव के लोगों की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और हुक्मरानों से उन सवालों का जवाब तलाशते हैं। समस्याएं कई हैं, लेकिन विकास के दावों के बीच हकीकत क्या है? उदाहरण के तौर पर हमने हाल ही में तमाम विधानसभाओं के ग्राम प्रधानों को, जनप्रतिनिधियों को जोड़ा, चाहे वो श्रीनगर हो, चोबट्टा खाल हो, कोटद्वार हो, नरेंद्र नगर हो या कुमाऊं की हल्द्वानी सीट हो, रुद्रपुर सीट हो, तमाम उन जगहों पर जहां पर विकास के दावे किए गए, हमने धरातल पर उसे समझने की कोशिश की। कल हमने एक कार्यक्रम चलाया था पौड़ी जिले का और उसमें पौड़ी जिले के भीतर समस्याओं का अंबार था। वहां के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि विकास के परिपेक्ष में यहां पर कुछ हुआ नहीं। और पौड़ी का अगर हम जिक्र करें तो पौड़ी में श्रीनगर भी है, पौड़ी में कोटद्वार भी है, चोबट्टा खाल भी है और तमाम दिग्गज नेता यहां से विधायक बने, मंत्री बने और कईयों ने तो मुख्यमंत्री बनने का सपना तक देखा, मगर वहां पर विकास की तस्वीर धुंधली दिखाई दी। 4.5 सालों में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, स्वास्थ्य के नाम पर कुछ नहीं हुआ, सड़कों के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सड़कें, मैं सिर्फ शहर का जिक्र नहीं कर रहा, गांव के परिपेक्ष में आपको बता रहा हूं कि सड़कों का जाल बिछाने का दावा तो हुआ लेकिन धरातल पर गांव तक सड़कें आज भी 4.5 साल में बन नहीं पाई। मैं उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूं जहां से खुद मंत्री आते हैं। गदरपुर भी इसमें से एक है। अरविंद पांडे जी का जहां घर है वहां से सड़क पूरी टूटी हुई है। यह मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र का हाल है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? गांव में से आज हमने एक ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र को चुना है और वो विधानसभा क्षेत्र है लालकुआं। लालकुआं ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां समस्याओं का अंबार है। लालकुआं वो विधानसभा क्षेत्र है, हल्द्वानी से आगे जाएंगे तो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। ट्रेन भी पहुंचती है, ट्रेन का हॉर्न भी बजता है, लेकिन विकास के परिपेक्ष में आज भी लालकुआं बहुत पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। कहने को वहां पर सपनों की एक सेंचुरी पेपर मिल है, लेकिन विकास धुंधला ही साबित हुआ। लालकुआं में गंदगी का भी अंबार है और वो तमाम समस्याएं आज भी मुंह बाहे खड़ी हैं जो 4.5 साल पहले भी थी। वैसे नवीन दुमका यहां से विधायक हैं और इससे पहले दुर्गा पाल यहां से विधायक हुआ करते थे। और अस्पताल के परिपेक्ष में, क्योंकि अभी हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे और वहां के बाशिंदे भी जुड़ेंगे, लेकिन विकास के परिपेक्ष में अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में ना तो सुधार हुआ, ना अस्पताल खुले, ना ही वहां पर लोगों का विकास हुआ। और हां, प्रदूषण के स्तर पर भी लालकुआं बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ सेंचुरी पेपर मिल है, वो वहाँ के लिए आशीर्वाद है या अभिशाप है, इस पर भी कई बार चर्चा हुई, कई बार सवाल खड़े हुए कि आखिरकार सेंचुरी पेपर मिल से निकलने वाला धुआं किस तरह से लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। लेकिन आज मसला लालकुआं के परिप्रेक्ष्य में उन तस्वीरों को टटोलने का है जो सवाल खड़े करती है।
धर्मेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और वहां के परिपेक्ष में समझेंगे कि आखिरकार लाल कुआं की समस्याएं क्या क्या हैं। धर्मेंद्र के पास सीधा रुख करेंगे। धर्मेंद्र, सबसे पहले लाल कुआं के हालात और तस्वीर, वैसे तो ग्राउंड जीरो पर जाकर मैं भी देखकर आया था, लाल कुआं की समस्याओं को हमने भी देखा और समझा, समस्याएं कई हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्याओं में से कौन कौन सी समस्या है, लाल कुआं का हाल क्या है, जरा आज बताइए उत्तराखंड की आवाम को। सर, डबल इंजन की सरकार थी और जनता को काफी उम्मीद भी थी क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन सर स्वास्थ्य, क्योंकि जनता को तीन चीजों की आवश्यकता लगातार होती है, जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इस पर जो है डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल सर साबित हुई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य के परिपेक्ष में आपसे जानना चाहूंगा, स्वास्थ्य के परिपेक्ष में लाल कुआं में क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, जरा वो बताइए। सर, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की यदि मैं बात करूँ, सरकारी अस्पताल एक लालकुआं में है सर, वहाँ पर ना ही डॉक्टर की व्यवस्था सही से है, ना ही कोई एक्सरे मशीन है, क्योंकि लालकुआ से सटा बिंदुखत्ता क्षेत्र घनी आबादी वाला क्षेत्र है सर, यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से सर कुछ भी ठीक नहीं है सर। और मैं बिंदुखत्ता क्षेत्र की बात करूंगा, वहाँ पर जनसंख्या 17,000 के करीब है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक कारोड में स्थित है, जहाँ पर ना ही जो जनता से हमने पूछा था, ना ही वहाँ पर डॉक्टर की सुविधा सही से है और ना ही सर वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चल पा रही हैं सर। ओके, तो धर्मेंद्र, ये जो आप बता रहे हैं बिंदु खस्ता का हाल, तो वहाँ 70,000 के आसपास की आबादी है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और अस्पताल के नाम पर सिर्फ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जी जी, ये सबसे बड़ी समस्या आप ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है सर। और जनता से हमने बात की थी सीधे, और जो समस्याएं सामने आ रही है, बिजली की भी समस्या वहां पर आ रही है, क्योंकि कई सुदूरवर्ती क्षेत्र वहां पर बिंदु खत्ता क्षेत्र में, वहां पोलो की व्यवस्था सर नहीं हो पाई है। ओके, और क्या कुछ पब्लिक भी आपके साथ जुड़ी हुई है, वहां के बाशिंदे, क्या उनसे हम बात कर सकते हैं? जी जी सर, पब्लिक हमारे साथ जुड़ी हुई है जी, सिद्दकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लालकुआं से, सर सीधा आपसे उनकी बात करा रहे हैं। जी, जरा जानना चाहेंगे लालकुआं की समस्याओं के बारे में, आप इनसे जरा पूछिए। जी जी, सिद्दकी जी, क्या क्या समस्याएं हैं और ये किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी हमारे पास थी, किस तरीके से देखते हैं और क्या क्या मुख्य समस्याएं यहाँ पर है? जितनी भी मुख्य समस्याएं हैं, जैसे कि लालकुआं बाईपास, ये भाजपा की सरकार जब उत्तराखंड में चुनाव लड़े, इन्होंने ऐसे ऐसे सुहाने वादे किए कि जनता को इन्होंने आकर्षित किया अपनी तरफ, और उस आकर्षण के बाद इन्होंने डबल इंजन की सरकार बनाई, उसके बाद भी इन्होंने धरातल पर कोई काम नजर ही नहीं आता, कहा कि हम बाईपास बना देंगे, आज के जैसा कि जैसा था वैसा ही है, कोई बाईपास पर इन्होंने काम नहीं किया। फिर कहा कि लालकुआं की मुख्य समस्या है कि ये जो लालकुआ है, ये मालिकाना हक किसी को भी नहीं मिला, इन्होंने कि मालिकाना हक देंगे हम, डबल इंजन की सरकार आएगी मालिकाना हक देंगे हम, तो मालिकाना हक भी इन्होंने क्या, चुनाव आ रहे हैं तो एक महीने पहले इन्होंने घोषणा करी, अब आचार संहिता लग जाएगी उसका, वो फिर ठंडे बस्ते में आ गया। इन्होंने कहा कि भैया बिंदु होता राजस्व गाँव बनाएंगे हम, जब कांग्रेस ने ये बनाया नगर पालिका उसका विरोध किया इन लोगों ने, और अब फिर इन्होंने कहा कि भैया हम डबल इंजन सरकार उत्तराखंड में भाजपा आएगी, केंद्र में भाजपा, हम इसको राजस्व गाँव बनाएंगे। भाई कहाँ गया राजस्व गाँव आपका, आज तक नहीं बनाओ। अब मैं आता हूँ स्वास्थ्य पे, माने केंद्रीय हमारे जो सांसद है केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, वो यहाँ पे चिकित्सालय में आए, उन्होंने वहाँ पे एक्सरे मशीन खराब है, उन्होंने कहा कि मैं एक्सरे मशीन भी दूंगा और टेक्नीशियन भी दूंगा, मगर वो आज तक नहीं। इनकी जो बातें हैं वो पूरी एकदम झूठ है, साफ झूठ है, खाली हवा हवाई बातें करते हैं, धरातल पे इनका कोई काम नजर नहीं आता। वह बात है बिजली की, तो बोला पार में गंगापुर नाम का गाँव है, वहाँ आज तक बिजली नहीं आई। भाई क्या आप बात ही कर रहे हैं ना खाली, आप काम कीजिए यार, लोगों को काम की जरूरत है, आपकी बातों की जरूरत नहीं है, और जो जिन्होंने इनने झूठी बातें कही हैं वो जनता साथ दिखा देगी ये 2022 के चुनाव में, जनता को विकास की है। धर्मेंद्र जरा एक बात सवाल पूछिएगा, ये जो क्योंकि एक तो लालकुआं बाईपास का मसला, क्योंकि जब हम वहां पर ग्राउंड जीरो पर गए थे और मुझे याद है जब हम किस्सा कुर्सी का कार्यक्रम कर रहे थे, वहां भी ये मुद्दा खूब गूंजा था कि आपने झूठ बोला, लालकुआं बाईपास बनाने के दावे किए गए, एक तो वो मसला पूछिएगा, और धर्मेंद्र ये भी पूछिएगा कि जो नवीन दुमका है विधायक के परिपेक्ष में, उन्होंने कुछ विकास किया या फिर कुछ भी नहीं किया? जी जी जी, सिद्दकी जी, जो हाईवे का जो मसला था बाईपास वाला, जो हाईवे का मसला था बाईपास रोड का, इसमें क्या, किस तरीके से, इसमें कुछ समय पूर्व कार्य हुआ था लेकिन अब काम पूरी तरीके से बंद है, इसमें क्या राय है आपकी? ये इन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे जो
नेशनल हाईवे बना रही थी वो पहले सद्भाव करके थी, वो अब किसी और पे के पास चले गया काम। हम उसका मतलब नहीं है, जो बात है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट अगर बाईपास देती तो ये लाखों बच जाता। अब इनका कोई बाईपास का सीन नहीं है, ये पता नहीं रहा कि बाईपास निकलेगा या नहीं निकलेगा। अब जब बाईपास निकलेगा नहीं तो जाहिर सी बात है हाईवे यही है, और ये है तो लालकुआ तो पूरा खत्म हो जाएगा ना। अब साहब नितिन गडकरी जी आए थे खटीमा में, उन्होंने लालकुआ का जिक्र नहीं करा, हल्द्वानी का जिक्र करते हैं, किस उधर का जिक्र करते हैं। जो जरूरी है लालकुआ का बाईपास, उसके लिए कुछ उनके पास शब्द ही नहीं थे, तो ऐसे सरकार का हम क्या करेंगे। ओके धर्मेंद्र, एक और मसला मैं आपसे भी समझना चाहूंगा पहले, वो क्योंकि ये बिंदु खस्ता में राजस्व गांव का जो मसला है इसको सुलझाने का दावा तो मुझे जहां तक याद है जब दुर्गापाल जी थे इससे पहले विधायक और वो मंत्री भी रहे सरकार में, क्या उस वक्त भी तो हरीश रावत ने कहा था कि हम इसे राजस्व गांव का दर्जा देंगे, कुछ इस तरह से था, मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं है, और आज भी यही दावे हो रहे हैं। यानी इन 5 सालों के भीतर बिंदु खस्ता को लेकर कुछ सरकार ने किया या नहीं किया? मैं लालकुआ विधानसभा की बात करूंगा, बिंदु खत्ता के बोर्ड एक अहम रोल तय करते हैं विधानसभा में किसी भी पार्टी को भेजने में, और बिंदु खत्ता वासियों को लगातार जो ये जनप्रतिनिधि नेता आते हैं चुनाव के समय में लगातार इनके द्वारा ठगा जाता है कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बना देंगे, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं है सर। जब ये हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी वादा किया गया था कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाएंगे, लेकिन उसको नगर पालिका का दर्जा उनके कार्यकाल में दिया गया, नगर पालिका का दर्जा दिया गया लेकिन राजस्व गांव नहीं बन पाया, क्योंकि अभी हमारे वर्तमान में विधायक हैं नवीन दुमका जी के द्वारा जनता को बताया गया कि हम लोग जो है इस पे नगर पालिका को वापस करवा के राजस्व गांव बनाएंगे, लेकिन उनकी सरकार आते ही उसमें भी कुछ कार्य सर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे बिंदु खत्ता वासी काफी नाराज देखे जा सकते हैं। अच्छा, एक समस्या और लोगों की भी थी सेंचुरी पेपर मिल को लेकर, कि ये अभिशाप है या आशीर्वाद है, क्या उस समस्या को लेकर भी, क्योंकि वहां प्रदूषण की समस्याएं भी अंबार हैं, क्या उस दिशा में भी कोई कदम उठाएगा, जरा पूछिए। सर ये सीधे जनता से ही पूछ लेते हैं जी, जो सेंचुरी पेपर मिल है ये जनता के लिए आशीर्वाद है अभिशाप है, और प्रदूषण भी लगातार इसके द्वारा फैलाया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? जहां तक मेरा मानना है तो सेंचुरी को मैं आशीर्वाद नहीं कहूँ, लालगोरी जनता के लिए, क्योंकि सेंचुरी जो जहरीला प्रदूषण निकलता है, जो जहरीला पानी निकलता है, वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। और रही रोजगार की बात, तो सेंचुरी में जो गवर्नमेंट का जो है 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, उसमें तो मतलब 30% लोग स्थानीय नहीं है, तो ऐसे मतलब ऐसी कंपनी का क्या फायदा जो लोगों को रोजगार ना दे और हमको खाली प्रदूषण दे, तो मैं तो इसमें अभिशाप ही मानूंगा। जी सर, 70% लोगों को रोजगार का वादा था लेकिन रोजगार मिला नहीं, आप ये कह रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र, एक बात और शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विधायक जी ने विकास किया नहीं किया, क्या हालात है लालकुआ के, कौन कौन से ऐसे प्राइवेट स्कूलों का मैं जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन सरकार के नजरिए से क्या कुछ विस्तार किया गया शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में? सर शिक्षा की बात करूं, यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज है लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, और हमने वहाँ की जनता से बात की तो साफ तौर पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई विकास नहीं है, कोई विकास नहीं है सर शिक्षा के मामले में भी। लेकिन हालांकि देखा जा सकता है कि कुछ स्कूलों में जो है विधायक जी द्वारा राशि दी गई है, जिससे वहाँ पर कुछ कार्य देखा जा सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ज्यादा काम नहीं किया विधायक जी ने? जी जी सर, जरा पूछिए पब्लिक से कि शिक्षा के क्षेत्र में संतुष्ट है कि नहीं विधायक जी को लेकर। जी सर, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से देखते हैं विधायक जी को, क्या कुछ कार्य हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है। शिक्षा क्षेत्र में क्या कार्य हुआ? कोई कार्य नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कार्य हुआ है बीजेपी सरकार में, हुआ भी कार्य है, थोड़ा बहुत हुआ, कुछ बाकी अभी कार्य बाकी ज्यादा है। जी। लालकुआ का हाल पूछिए जरा इनसे, लालकुआ में जो विकास कार्य हो रहा है, जो दावे सरकार कर रही है, उससे संतुष्ट है क्या? धर्मेंद्र पूछिए लालकुआ को लेकर, लालकुआ में जो विकास कार्य किए गए उनसे किस तरीके संतुष्ट हैं आप? नहीं, लालकुआ से हमें क्या मतलब, लालकुआ से कार्य करे गए, हम जहाँ रह रहे हैं बिंदु खत्ता में रह रहे हैं, बिंदु खत्ता कार्य होना चाहिए, बिंदु खत्ता में क्या कार्य हुआ? हमारे यहाँ तार ऐसे जुड़ में, हमारे यहाँ रोड है ही नहीं, खंबा है ही नहीं। जी जी, कहाँ पर बिजली की, कहाँ बिजली नहीं है, इसे पूछिए कहाँ बिजली नहीं है। धर्मेंद्र पूछिए, आप किस एरिया से हैं? बिंदु खत्ता राजीव नगर। सर राजीव नगर बिंदु खत्ता से हैं सर। तो क्या कह रहे हैं, बिजली नहीं है इनके यहाँ?
सर बिजली की दिक्कत है और पोलों की समस्या सर ये बता रहे हैं सर। अच्छा, इनसे पूछे कभी विधायक जी आते हैं इनके क्षेत्र में, कभी विधायक जी ने हालचाल पूछा इनका? इन्हें कार्य कराया भी है। विधायक जी आपके क्षेत्र में आके कभी आपका हालचाल पूछा? हाँ, हालचाल पूछा, कार्य कराया भी है, कार्य कराया, नाला बनवाया, कार्य कराया है, हमारा पूरा कार्य नहीं सकता ना, हमारे जैसे निजात पा पाऊँ, जो हम गंदा पानी पीते थे उससे खैर निजात मिली है, नाला बन गया, हम लोग गंदा पानी नाले में छोड़ रहे हैं, पहले नहीं था ऐसा, मगर कार्य हुआ है, मगर संपूर्ण रूप से कार्य नहीं हुआ जैसे डबल इंजन की सरकार है। सर इनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार से जिस तरीके की उम्मीदें थी उस तरीके का कार्य हुआ नहीं है। सर बिजली की तरह सा समस्या है बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जो नाली की एक समस्या इनके क्षेत्र में थी उसमें जो है विधायक जी ने जरूर सर कार्य किया है। लेकिन जो लालकुआ के परिपेक्ष में हम देखें तो क्या जाम की समस्या भी एक समस्या है क्या? सर जाम तो लगातार यहाँ पर दुर्घटनाएं होते रहती हैं, सर जाम एक समस्या है सर, क्योंकि यहाँ पर सर हर वर्ष दुर्घटनाएं, हर वर्ष तो नहीं सर, हर 3 माह 4 माह में सर दुर्घटनाएं लगातार लालकुआ में देखी जा सकती है। सर धर्मेंद्र जरा मैं जानना चाहूंगा, आपके पीछे भी लोग खड़े हुए हैं, जरा उनसे पूछिए कि जाम के परिपेक्ष में, क्योंकि लालकुआ की समस्याओं को जितना मैं समझ पाया देख पाया तो लोग ये कह रहे थे कि जाम की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है, उस दिशा में क्या कदम उठाएगा जरा पूछिए लोगों से। लालकुआ में एक जाम की समस्या भी लगातार देखी जा सकती है जिससे लगातार दुर्घटनाएं होती है, उस विषय में क्या क्या राय देंगे? ठीक है, मैं तो ये भी कहूंगा कि जाम की समस्या है वो कांग्रेस के टाइम में भी थी और बीजेपी के टाइम में भी है। सबसे बड़ी समस्या हमारी जो सेंचुरी, जो हम बिन्नोता को जाते हैं तो जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे फाटक बंद होने के बाद इतना जाम हो जाता है कि वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, मगर जो हमारे क्या विधायक बीजेपी के, इनको इसकी कोई सुध नहीं, कब से मांग चले कि इसको फ्लाईओवर बना दो, मगर जितनी सरकार आती है वो ठंडे बस्ते में मुद्दा चले जाता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है फ्लाईओवर की, तो अब देखते हैं कि अभी किसकी सरकार आती है, ये वादा इनका पूरा होता है या नहीं होता है, ये आगे देखें। सर फ्लाईओवर की समस्या है बता रहे हैं जिस कारण आए दिन जो है जाम यहाँ पर सर देखने को मिलता है। ये कहाँ पर, कौन से फाटक के पास जिक्र कर रहे हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या आती है जाम की? सर ये रेलवे फाटक है सर, यहाँ पर रेलवे फाटक है, जी लाल कुआ जो क्रॉसिंग है उसके पास रेलवे फाटक है और वहां पर ये समस्या होती है, जाम लगा रहता है। ओके, अब मुझे रोजगार के परिपेक्ष में धर्मेंद्र बताइए, कोई नया उद्योग स्थापित हुआ हो सेंचुरी पेपर मिल को छोड़ के? सर सेंचुरी पेपर मिल के अलावा सर कोई और रोजगार नहीं है सेंचुरी में, हालांकि सेंचुरी पेपर मिल में स्थानीय लोगों को रोजगार तो मिला है, लेकिन जो अन्य रोजगार की बात करें सेंचुरी के अलावा सर कोई भी यहाँ पर रोजगार नहीं है। यहाँ बिंदु भत्ता और लालकुआ से जो है सर रुद्रपुर सिटपुल में कुछ युवा जो है ड्यूटी करते हैं जाते हैं सर, इसके अलावा सर यहाँ पर कोई रोजगार का साधन ऐसा है नहीं सर। तो रोजगार के परिपेक्ष में सिर्फ सेंचुरी पेपर मिल का आप कह रहे हैं, उसके अलावा वहाँ पे भी 70% शायद जो है ये कहा गया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, क्या ऐसा है, मिलता है वहाँ? मिला नहीं है सर, लेकिन 70% तो नहीं कह सकते, लेकिन सर 40-50% लोग बिंदु भत्ता लालकुआ और जो अन्य यहाँ पर क्षेत्र है गोलापार यहाँ से सर है यहाँ पर, लेकिन 70% तो नहीं कहा जा सकता सर। अच्छा, जो प्लान को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे कि पहाड़ से आकर लोग जो है वो लाल कुआं में बस गए, क्या वो भी एक समस्या है? अब समस्या सर ये तो डबल इंजन की सरकार सर प्लान तो रोकने में सभी लोग असमर्थ रहे, जब पहाड़ों में सर रोजगार नहीं होगा तो सर आदमी करेगा क्या, उसके सामने सर रोजी रोटी का संकट जो है आ जाता है, तो ऐसे में सर मजबूर है सभी लोग सर। चलिए, तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जो बता रहे थे कि लालकुआ का हाल क्या है, और उन्होंने बताया कि खास तौर पर बिंदु खस्ता राजस्व गांव का दर्जा मिले ना मिले इसको लेकर सियासत खूब हुई, लेकिन आज भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। लालकुआ बायपास का इन्होंने जिक्र किया कि लालकुआ में बायपास का दावा किया गया लेकिन आज तक वो धरातल पर नहीं उतरा, वहाँ के लोगों का ये कहना है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भी नाराजगी है, क्योंकि बिंदु खस्ता का जिक्र किया और 70,000 के आसपास इन्होंने बताया कि आबादी है और उसमें से भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ना तो डॉक्टर है और ना ही वहां पर मशीनें हैं एक्सरे मशीन का जिसका जिक्र किया गया, यानी स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार के परिपेक्ष में एक रोजगार का जिक्र करें तो वहां पर सेंचुरी पेपर मिल है, 70% के आसपास लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी स्थानीय लोगों को, लेकिन नहीं मिला।
और ऊपर से प्रदूषण की समस्या अलग। जाम का जिक्र भी किया कि लालकुआं में जाम लगता है क्रॉसिंग के पास। तो नवीन दुमका ने कितना विकास किया कितना नहीं, धरातल पर यह तस्वीर वहां के बाशिंदे और हमारे सहयोगी बता रहे थे। तो यही इस कार्यक्रम का मकसद है कि गांव के लोग खुद बताएं कि आखिरकार गांव के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा का गांव किया क्या विधायक जो पिछड़े इलाके हैं। कल फिर होंगे हाजिर एक ऐसी विधानसभा आपके साथ लेकर जहां पर जुड़ेंगे वहां के ही बाशिंदे, वहां के ही लोग, वहां के ही जनप्रतिनिधि। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।